हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आईपीएल 2023 की शुरुआत होने में महज अब कुछ ही दिन का समय बचा है, इसलिए दोस्तों आरसीबी की कप्तान फिफ डु प्लेसिस ने अपनी टीम की खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। मगर दोस्तों आरसीबी की कप्तान फिफ डु प्लेसिस ने अपनी फाइनल 11 में ऐसे ऐसे भूखे शेरों को मौका दिया है कि जिनके आने मात्र से ही आरसीबी टीम की जीत लगभग तय मानी जा रही है। और दोस्तों आपको बता दें कि आरसीबी की प्लेइंग 11 आईपीएल 2024 की सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 नजर आ रही है। और दोस्तों इस प्लेइंग 11 को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार की आईपीएल ट्रॉफी आरसीबी की टीम ही जीतेगी। आखिरकार दोस्तों आईपीएल 2023 के शुरू होने से पहले आरसीबी की टीम ने किन भूखे शेरों को अपनी टीम में मौका दिया है, बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। इसलिए आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहना, क्योंकि दोस्तों हम आपको आज की इस वीडियो में आरसीबी से जुड़ी हर एक जानकारी आपको देने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। मगर दोस्तों उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि आरसीबी की टीम अपना पहला मुकाबला जीतेगी? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों आप सबको सबसे पहले बता दें कि आईपीएल 2024 का पहला मुकाबला 22 मार्च को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। और दोस्तों ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार 8:00 बजे से खेला जाएगा। दोस्तों आरसीबी की ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो एक बार फिर आरसीबी के लिए विराट कोहली और फिफ डु प्लेसिस ओपनिंग करते नजर आएंगे, क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही बल्लेबाज जब जब साथ में आते हैं तो सामने वाली टीम को धो डालते हैं। दोस्तों ये दोनों ही बल्लेबाजों ने आईपीएल 2023 में एक साथ बल्लेबाजी करते हुए विपक्षी टीमों के गेंदबाजों को बहुत पीटा था। दोस्तों अब आरसीबी के नंबर 3 बल्लेबाज की बात करें तो आरसीबी के लिए नंबर 3 पर एक बार फिर रजत पाटीदार बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि रजत पाटीदार का मौजूदा फॉर्म खराब है, मगर आपको बता दें रजत पाटीदार आईपीएल में काफी खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं। वहीं दोस्तों नंबर 4 पर आरसीबी के लिए ग्लेन मैक्सवेल बल्लेबाजी करेंगे। दोस्तों ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि ग्लेन मैक्सवेल काफी खतरनाक बल्लेबाज है। ग्लेन मैक्सवेल अपनी बल्लेबाजी के दम पर किसी भी मैच को जिताने का दम रखते हैं। नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए आरसीबी की टीम ने बहुत खतरनाक खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, उनका नाम है कैमरन ग्रीन। दोस्तों कैमरन ग्रीन आईपीएल 2023 में एमआई की टीम से खेले थे और बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन किया था। आरसीबी के लिए नंबर 6 पर एक बार फिर दिनेश कार्तिक बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। दोस्तों आपको बता दें दिनेश कार्तिक आईपीएल 2023 के सीजन में काफी खराब फॉर्म से गुजरे थे, मगर दोस्तों दिनेश कार्तिक अपनी टीम को काफी अच्छी फिनिशिंग देते हैं। दोस्तों नंबर 7 पर अनुज रावत बल्लेबाजी करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि अनुज रावत मैच के हिसाब से बल्लेबाजी करने आते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अनुज रावत काफी अच्छे खिलाड़ी हैं। चलिए दोस्तों आरसीबी की खतरनाक बल्लेबाजी क्रम को बताने के बाद अब आपको बताते हैं आरसीबी खतरनाक गेंदबाजी। दोस्तों आपको बता दें आरसीबी की स्पिन गेंदबाजी का मोर्चा एक बार फिर करण शर्मा संभालेंगे। दोस्तों करण शर्मा ने आईपीएल 2023 में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। अब आपको बताते हैं आरसीबी की तेज गेंदबाजी। दोस्तों आरसीबी की तेज गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे अलजारी जोसेफ, मोहम्मद सिराज और यश दयाल। तो दोस्तों ये थी आरसीबी की आईपीएल 2023 की खतरनाक प्लेइंग 11। आपको कैसी लगी आरसीबी की प्लेइंग 11, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।